हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने 12 सदस्यीय टेक्नोलॉजी ग्रुप के गठन की मंजूरी दे दी है। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, मैं आपको बता चुका हूँ, 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? क्लोजिंग दी इन इक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। पहली बार दोस्तों 2009 में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वीडियो में दोस्तों ओनली 10th क्वेश्चन होते हैं, जल जीवन मिशन, आपको पता है जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। उसके तहत दोस्तों क्या हुआ था, इसके तहत सभी घरों में 2024 तक पाइपलाइन के तहत पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जल जीवन मिशन था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या होगा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक घरों में पाइपलाइन से पानी पहुँचाया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत सरकार लॉन्च करेगी तिलहन मिशन। क्या दोस्तों? तिलहन मिशन, आपको पता है दोस्तों एक येलो रेवोल्यूशन हुई थी, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। तो येलो रेवोल्यूशन दोस्तों किससे संबंधित है? तिलहन मिशन से ही है। तिलहन सीड्स जो होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट बना देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट, यानी कि IGI जो है ना, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन जो है वो पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है, ठीक है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक का दोस्तों मतलब क्या होता है कि वे ऐसी प्लास्टिक जिसका सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सके और वो डिकम्पोज ना हो, तो उसको दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS6 का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS6, यानी कि BS6 का क्या मतलब है दोस्तों? BS6 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है भारत स्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BS6 का दोस्तों प्रयोग किया जाएगा, मतलब उच्च क्वालिटी का जो फ्यूल होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। कब से दोस्तों? 1 अप्रैल 2020 से। तो आपसे ये डेट पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने दोस्तों 22वीं विधि आयोग को मंजूरी दी है। दोस्तों ध्यान रखना, कितने भी विधि आयोग को मंजूरी दी है? 22वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? नृत्य गोपाल दास। कौन अध्यक्ष बनाया गया? नृत्य गोपाल दास जी को दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया ट्रस्ट का, राम मंदिर के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामायण एक्सप्रेस नई दिल्ली से शुरू की गई दोस्तों, श्री रामायण एक्सप्रेस। आज का वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, मृदा कार्ड दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को दोस्तों मृदा कार्ड दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो का दोस्तों इंतजार करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल होते रहें। थैंक यू दोस्तों।